अगर इसी तरीके से रोते रहे कि कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है, तो शायद कुछ भी नहीं कर पाओगे, अपने आप से ऐसे झूठ बोलते रह जाओगे और आपका खेल कहीं ना कहीं भाई 5-7 हजार 10 हजार में फंस के रह जाएगा। फिलहाल हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो। आज की ये वीडियो एक नई उमंग लेके आएगी सर आपके लिए, ठीक है। और ये पूरा ग्राफ आपका बिल्कुल जो आपका सन्नाटे में पड़ा हुआ है वो ग्राफ आपका जाएगा कुछ इस तरीके से सर, ठीक है। कैसे ये ग्राफ जाएगा आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। जो लोग चिल्लाते रहते हैं कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है, उन लोगों के लिए आज की ये वीडियो ब्रह्मास्त्र है सर, ठीक है। हम बहुत बड़ा एग्जांपल नहीं लेंगे, जो लोग शाहजहांपुर से हमें जानते हैं उन्हें पता है, ठीक है। और बाकी शाहजहांपुर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप उसे अपने एग्जाम्पल से सेट कर लीजिएगा, ठीक है। एक एक करके चीजों पर हम आते हैं, ठीक भाई। मान लिया मेरे शाहजहांपुर की जनसंख्या चलिए होगी, मान लिया 10 से 15 लाख मान ले रहा हूं, ठीक। 10 से 15 लाख मान के चलते हैं, हो सकता है 20 लाख हो, 25 लाख हो, जो भी हो, चलिए कम से कम 10 लाख मान लेते हैं। 1 मिलियन जनसंख्या मान लिया यहाँ की है, ठीक, 15 लाख तक मान ली। अब देखिए सर यहाँ पे खेल समझिएगा। सबसे पहले अगर हम आपसे कहें इस शहर में 10 ब्रांडेड मिठाई वालों के नाम बताइए, तो आप क्या यहाँ पे अगर हम अपने आगे बताएं जो लोग जानते रिलेट करते होंगे, मान लिया आर्या वाले हो गए, बालाजी हो गए, उसके बाद प्रकाश वाले हो गए, इधर यादव हो गए, ठीक है, स्कंद हो गए, बस 5-6 नाम है, भूल गए। यानी क्या इन 15 लाख लोगों को 6-7 लोग ही मिठाई खिलाएंगे? लोग कह रहे कंपटीशन बहुत है, या तो 6-7 लोग दिखाई दे रहे, उंगलियों पर नहीं गिन पा रहे हैं। चलो जे भी हटा दो, चलो कोचिंग में आ जाओ। कोचिंग में सर अगर हम लोग गिन लें कौन कौन होगा, सर पाल सर हो गए, सुहेल सर हो गए, ठीक है, NTSSP हो गई, चलिए मान लिया अपना BDKDN हो गया, ठीक है, और एक दो और गिन ले रहा सर, बस खत्म हो गया। क्या इन 15 लाख लोगों को ये 5-6 लोग ही एजुकेट करेंगे? चलो इसका भी हटा दो, आओ YouTube पे आ जाओ, YouTube पे भैया टेक्निकल में आ जाओ, मनोज देव हो गए, महात्मा जी टेक्निकल हो गए, टेक चैंपियन सपोर्ट हो गए, टेक्निकल योगी हो गए, 2-4 और मान लो बात खत्म हो गई। चलो ब्लॉग पे आ जाओ, सौरभ जोशी ब्लॉग हो गए, और कोई एक आध आप जानते हो, बात खत्म। किसी भी फील्ड में 10-12 नाम गिनवाने तक मुश्किल हो रहा है। चलो यूट्यूब हटाओ, अपने शहर में आओ, चलो भैया जे तो मिठाई डाई तो तब भी ब्रांड रहे हैं, 10 जूते बनाने वालों के नाम बताओ, शायद एक को भी नहीं बता पाओगे, एक ही जानते होगे, जिसके आप प्रॉपर जाते हो उसी से कराते होगे। तो जब 10 नाम बनाने मुश्किल हो रहे हैं, इसका मतलब कंपटीशन है ही नहीं। कंपटीशन नहीं है तो फिर खेल क्या है? खेल हम आपको समझाते हैं एक्चुअल में खेल क्या है। खेल भैया ये है कि आदमी जो ये मान लिया पूरा एक सर्किल है, ठीक है। अब इस सर्किल में थोड़ा सा पहले हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं सर, ठीक है। मान लिया ये अपने पास पूरा एक सर्किल है, ठीक। अब इस सर्किल के अंदर खेल क्या हम आपको समझाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा सर, ठीक है। सबसे पहले क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने जा रहा हूं। मान लिया 10 लाख लोग जो है वो फील्ड में आए, ध्यान से समझिएगा, ये 10 लाख लोग क्या है, ये पूरा सर्किल है सर, ठीक है, ये 10 लाख लोग हैं मान लिया। अब सुनिए, इस 10 लाख में 5 लाख लोग लगभग ऐसे होंगे जो मौज लेने जाएंगे। मौज लेने का हम एक्सपीरियंस है, पिछले 12 सालों से टीचर हैं, इतना तो पता ही है। आदमी कहता भैया क्यों फॉर्म क्यों डाला, तैयारी क्या है, हमारे यहाँ के कुछ स्टूडेंट उनकी CUET की किताब यहीं पढ़ी हुई, जो पढ़ी हुई है और पेपर दे आ जाके। यानी 10 लाख में 5 लाख लोग लगभग ऐसे होंगे जिनका कोई काम नहीं, उन्हें क्या कहा चलो इसी बहाने दिल्ली घूमी आएंगे जाके, या उनकी तैयारी नहीं हो पाई, या वो किसी कारण से व्यवस्थित। तो लो भैया कॉम्पिटिशन आधा खत्म, ये लो कॉम्पिटिशन कितना रह गया, आधा रह गया भाई, ये लो कंपटीशन हो गया आधा, ये वाला सेक्टर खत्म हो गया। अब ये इसमें इतने में से आपको लड़ना है। इस 5 लाख में ऐसे होंगे जिनके पास 3 लाख के पास गाइडेंस ही नहीं होगा, ले 3 लाख के पास गाइडेंस नहीं, ये भी सेक्टर पूरा खत्म हो गया। तो अब रह क्या गया, ये 2 लाख लोग रहेगा, ठीक। इस 2 लाख में ऐसे हैं जिनमें लगभग 50 से 60 हजार लोग एंड टाइम पहुंचते खेल बहुत खराब हो जाएगा। पता चला 10 लाख फॉर्म पड़ा, मान लिया 50 हजार वैकेंसी थी, तो कायदे के जो 50 हजार लोग प्रॉपर बिल्कुल सीरियस होंगे, उनके पास गाइडेंस भी होगा, सारी चीजें होंगी, वो कायदे के 50-60 हजार ही होंगे, और बस वो जाके जॉब पे लग जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे सर वैकेंसी ही नहीं आ रही है, वो एक अलग समस्या है। वैकेंसी नहीं आ रही है वो आपकी समस्या नहीं है, लेकिन आप तैयार भी नहीं है वो आपकी समस्या है। सबसे पहली बात क्या है, ब्रांड वैल्यू पे काम करना पड़ेगा। ब्रांड वैल्यू क्या है, जैसे बहुत दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं BDKDN एक ब्रांड बन जाए, ब्रांड बन जाए, ब्रांड बन जाए, और उसके लिए यहां पर अभी अगर हम आपको कैमरा घुमा के दिखाएं, लगभग ये पूरा 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था मेरे पीछे है सर। तो कोशिश की जा रही है कि इसे ब्रांड बनाया जाए, ताकि आदमी कहे हम कहां पढ़ते हैं, BDKDN में पढ़ते हैं।
तो आपको क्या करना है, नाम बनाने पे काम करना। जब नाम बन जाएगा तो चीजें ऑटोमेटिक ग्रो होने लगेंगी। और ये बात समझ लीजिए, जो लोग कहते हैं कंपटीशन है किसी भी फील्ड, आज अभी आपको इस वीडियो को एंड करने के बाद देखना है और सोचना है, कमेंट करके बताइएगा ये बात सही है या नहीं है कि किसी भी फील्ड में क्या बिना सोचे समझे आप अंधाधुंध 10 नाम गिना सकते हैं? नहीं सर। तो क्या पूरे शाहजहांपुर में 15-20 लाख लोगों को क्या 10 ही लोग पढ़ाएंगे? क्या सिर्फ 10 ही लोग मिठाई बनाएंगे? क्या सिर्फ 10 ही लोग जो है वो मान लिया सप्लाई करेंगे चीजों को? क्या सिर्फ 5-6-7 लोग ही करेंगे क्या? बाकी लोग क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो ब्रांड वैल्यू बनाना नहीं चाहते हैं। हम किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट ये है लोग क्या करते हैं, पता चला 5 लोगों से शुरू किया एक कमरे के अंदर और पूरी जिंदगी निकल जाती, वो उसी में खुश रहते हैं। जब तक आप चीजों को डेवलप नहीं करेंगे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देखिए अपने आप से पूछिए कि क्या कहीं मेरा ग्राफ ऐसे करके चल के ये तो नहीं हो गया, सैचुरेट तो नहीं है? ग्राफ भले ही ऐसे चले सर, लेकिन भैया बढ़ते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहिए। जिस दिन आपको लगा कि अब मेरी ग्रोथ खत्म है, खत्म करो खेल यार, कुछ और सोचो, कुछ अच्छा करो, कुछ नया लाने की कोशिश करो। अगर इसी तरीके से रोते रहे कि कंपटीशन बहुत है तो शायद कुछ भी नहीं कर पाओगे, अपने आप से ऐसे झूठ बोलते रह जाओगे और आपका खेल कहीं ना कहीं भाई 5-7 हज़ार 10 हज़ार में फंस के रह जाएगा। फिलहाल उम्मीद करते हैं काफी कुछ आपको समझा पाए होंगे। बहुत ज्यादा थके हुए हो सकता लग रहा हूं क्योंकि आज सुबह लगातार 8 बजे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और सकल हो सकता बाहर भी बिगड़े हुए हों, लेकिन खैर क्या ही फर्क पड़ता है, काम करना है तो बस करना है, सनक होनी चाहिए सनक भैया। तो उम्मीद करते हैं बात आपकी समझ में आ गई होगी, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।